अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ओशन डिपॉजिट्स। इससे पहले हमने हाइड्रोस्फीयर और रिलीफ ऑफ ओशन फ्लोर को डिस्कस किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और आज जो डिपॉजिटेड मटेरियल है ओशन फ्लोर के ऊपर, इसको डिस्कस करेंगे। ओशन डिपॉजिट को मरीन डिपॉजिट्स भी कहते हैं। ये सेडिमेंट्स का एक लूज लेयर होता है जो ओशन फ्लोर के ऊपर डिपॉजिट होता है, और इसको फॉर द फर्स्ट टाइम हेरोडोटस ने नोटिस किया। हेरोडोटस एक एंशंट ग्रीक हिस्टोरियन था जिसने ओशन डिपॉजिट्स के बारे में आइडिया दिया। मरीन डिपॉजिट्स और ओशन डिपॉजिट्स को टू ब्रॉड क्लासेस में सब डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज टेरेजिनस डिपॉजिट्स एंड सेकेंड इज पेलाजिक डिपॉजिट्स। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ ओशन डिपॉजिट्स इज बेस्ड ऑन सोर्स साइज एंड लोकेशन ऑफ सेडिमेंट्स। फर्स्ट इज टेरेजिनस डिपॉजिट्स और टेरिस्ट्रियल डिपॉजिट्स। जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि ये जो डिपॉजिट्स हैं, Terra means earth and genus means born, means these deposits are earth-born deposits or material like boulders, pebbles, sand and gravel. और ये जो deposits हैं, ये river transport करके लेके आता है ocean में। means यहाँ पे earth के ऊपर पहले erosion होती है और फिर वो eroded material, कोई भी एजेंट, चाहे वो रिवर हो, विंड हो, ग्लेशियर हो, ट्रांसपोर्ट करता है और टुवर्ड्स द ओशन लेके आता है। और यहाँ पे ओशन में ये जो डेपोजिशन है, ये शोर्स के करीब भी हो सकती हैं, डीप सी में भी और शेलो वाटर में भी ये डिपॉजिट होते हैं। और अकॉर्डिंगली दीज टेरोजिनस डिपॉजिट्स में भी शोर डिपॉजिट्स, शेलो वाटर डिपॉजिट्स एंड डीप सी डिपॉजिट्स। फर्स्ट इज शोर डिपॉजिट्स, मीन्स जो शोर के करीब और कोस्टल एरिया के करीब जो डिपोजिशन होती हैं, तो उसको शोर डिपॉजिट्स कहते हैं। और यहाँ पे जो डिपॉजिटेड मटेरियल है वो कोर्सर होता है, मीन्स इसका साइज ज्यादा होता है और डेंसिटी भी हाई होती है। शोर डिपॉजिट्स में बोल्डर्स, पेबल्स और शिंगल्स मोस्ट प्रीडोमिनेंट है। सेकेंड इज शेलो वाटर डिपॉजिट्स। शेलो वाटर डिपॉजिट्स शोर डिपॉजिट्स और डीप सी डिपॉजिट्स के मिड में आता है। ये जो डिपॉजिट्स हैं, इनमें ग्रेवल और सैंड प्रीडोमिनेंट होता है। थर्ड टेरोजिनस डिपॉजिट इज डीप सी डिपॉजिट। ये जो डिपॉजिट्स हैं, ये फाइनेस्ट पार्टिकल्स इनमें होते हैं, इस वजह से ये क्ले और मडी होते हैं। और ये जो मटेरियल है, ये एक्चुअली अबेसल प्लेन और डीप सी प्लेन के ऊपर कॉन्टिनेंटल स्लोप से आगे डिपॉजिट होते हैं। सेकेंड ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ ओशन डिपॉजिट्स इज पेलाजिक डिपॉजिट्स। पेलाजिक डिपॉजिट्स एक्चुअली ओशन बॉर्न और मरीन बॉर्न होते हैं, मीन्स इनका ओरिजिन ओशन में ही होता है। पेलाजिक डिपॉजिट्स को आगे सब डिवाइड करते हैं इंटू टू क्लासेस। द वन इज ऊज एंड सेकेंड इज रेड क्ले। ऊज इज सब डिवाइडेड इंटू कैल्केरियस ऊज एंड सिलिशियस ऊज। कैल्केरियस ऊज इज पेट्रोपोड ऊज एंड ग्लोबिजरीना ऊज एंड सिलिशियस ऊज इज रेडियोलारिना ऊज एंड डायएटम ऊज। फर्स्ट पेलाजिक डिपॉजिट इज ऊज। जैसे कि ओशंस में
लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये ऑर्गेनिजम्स प्लांट भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। और ये जो ऊजेज हैं ये एक्चुअली उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से बनते हैं जब इनकी डेथ होती है और वो डिपॉजिट होते हैं ऑन ओशन फ्लोर। और ये इनका जो फॉर्म होता है वो शेल लाइक होता है और स्ट्रक्चर इनका चौकी होता है और ये सेमी सॉलिड होते हैं। ऊजेज में या तो लाइम या सिलिकॉन कंटेंट प्रीडोमिनेंट होता है और इसी के बेस पे ऊजेस को डिवाइड करते हैं इनटू कैल्केरियस ऊज। कैल्केरियस ऊज में लाइम प्रीडोमिनेंट होता है और कैल्केरियस ऊज दो स्पीशीज से बनता है। फर्स्ट इज पेट्रोपोड जो 800 टू 1500 फेदम्स के डेप्थ पे बनते हैं और द सेकेंड इज ग्लोबिजरीना जो 1500 टू 2000 फेदम्स के डेप्थ पे ओशन में बनते हैं। सेकेंड इज सिलिशियस ऊज। सिलिशियस ऊज में सिलिकॉन कंटेंट ज्यादा होता है और ये टू में आगे सब डिवाइड है। फर्स्ट इज रेडियोलैरियन ऊज जो एनिमल्स से बनता है और सेकेंड इज डायएटम ऊज जो प्लांट से बनता है। नेक्स्ट इज रेड क्ले। रेड क्ले इज अ फॉर्म ऑफ पेलेजिक डिपॉजिट्स। ये 2500 फेदम्स या इससे भी ज्यादा के डेप्थ पे पाया जाता है और ये वॉल्केनिक ओरिजिन का होता है। मींस ओशंस में जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है और जब दो ओशेनिक प्लेट्स डाइवर्ज होते हैं तो मिड में से लावा इरप्ट होता है और वो लावा जब सॉलिडिफाई होता है तो इस तरह रेड क्ले बनता है। रेड क्ले का ओरिजिन सबमरीन इरप्शंस भी हो सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ओशन डिपॉजिट्स। ओशन डिपॉजिट्स को तो हमने बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया लेकिन इन डिपॉजिट्स की अहमियत क्या है हमारी जिंदगी में? वैसे तो अगर देखा जाए तो इनकी कोई अहमियत नज़र नहीं आती लेकिन जो सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था अगर आपको याद हो तो इनका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ पे बनते हैं ये रॉक्स और ये क्यों स्ट्रेटिफाइड है या लेयर के फॉर्म में है, इन सब को हमने सेडिमेंट्री रॉक्स के टॉपिक में डिस्कस किया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। क्योंकि ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये एक्चुअली ओशन में या सी में या किसी भी वाटर बॉडी में मटेरियल्स के डिपोजिशन और डंपिंग से बनते हैं। सो जितने भी डिपॉजिट्स हमने डिस्कस किए इनको जब मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं डिपोजिशन और डंपिंग में तो इनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है और ये कंसोलिडेट हो जाते हैं जिससे ये स्ट्रेटिफाइड रॉक्स और एक्वस रॉक्स बनते हैं। ओशन डिपॉजिट्स में कोरल रीफ्स भी आते हैं क्योंकि कोरल रीफ भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए उसको हम अलग डिस्कस करेंगे।